महाराजा भानु प्रकाश सिंह जी हमारे चीफ पैट्रन, आज की इस नौवे सिक्योरिटी स्किल्स और लीडरशिप समिट के चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री हरिभाई जी चौधरी, मिनिस्टर स्टेट फॉर होम अफेयर्स, एनएसडी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री भट्टागर जी, श्री कट्टी जी प्रेसिडेंट कैप्सी, श्री बी एम पंडित प्रेसिडेंट एपीडीआई, श्री किरण घोष जी, श्री रमेश अय्यर जी सीईओ ऑफ द टॉप्स ग्रुप एंड मेजर जनरल डी के जामवाल द सीईओ ऑफ द सिक्योरिटी सेक्टर्स सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। साथियों, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू आप अलग अलग प्रदेशों से इतनी संख्या में यहां पधारे, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उन सब साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने निरंतर पिछले 9 साल से जो प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर को आगे बढ़ाने की जो मूवमेंट शुरू हुई है उसमें कंधा से कंधा मिला के साथ दिया। साथियों, 9 साल का यह सफर काफी कठिन रहा, काफी खुशी का भी रहा। लगातार हमारा संघर्ष, सरकार से निवेदन बार बार कि आप हमारी सेवाओं को अच्छे ढंग से लीजिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए लगातार सरकार को बोलना कि आप हमारी मदद लीजिए, हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं। ये पूरे देश में एक ऐसा सेक्टर है कि वो जिस तरह से भारतीय फौज की कहीं भी कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो और ऐसी चीजें हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, तो एकदम सरकार भारतीय सेना को याद करती है, भारतीय सेना के लोग वहां पहुंच जाते हैं। उसी ढंग से साथियों, आपका जो योगदान इस देश की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने की लगातार साथ रहा है। मंत्री महोदय जी, जब देश में चुनाव होते हैं तो पूरा पुलिस फोर्स बूथ मैनेज में लग जाता है, लॉ एंड सिचुएशन में लग जाता है, तो देश के हजारों थाने जे आपके सैनिक जो हैं, ये सिक्योरिटी के लोग उसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा कभी भी पुलिस को जरूरत पड़ती है, किसी ढंग का जरूरत पड़ता है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लोग आगे आके आपकी मदद करते हैं। और हम सरकार को निरंतर भी कहते आ रहे हैं कि आपने हमारी सर्विसेज का पूरा इस्तेमाल कीजिए, देश के अंदर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है उसमें से कहीं ना कहीं जो गुप्त सूचनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से करने का तंत्र इतना दुरुस्त नहीं हुआ है। हमारे ये लोग 70 लाख लोग, 7 मिलियन मंत्री बोले, 7 मिलियन है देश की, ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिला, और वर्ल्ड में भी हम नंबर 1 है। इसका बढ़ोतरी दर एक बहुत बड़ी कंपनी अर्नेस्ट यंग है, उन्होंने पिछले साल कहा था, मैं तो लगातार 7 मिलियन कहता हूं, उन्होंने कहा कि नहीं आप 7 मिलियन नहीं हो, आप 6.5 मिलियन हो, मैं उनकी बात मान गया, वो ज्यादा एक्सपर्ट हैं। हम कहते जी हमारा बढ़ोतरी दर जो है 25% है, उन्होंने कहा कि नहीं जी बढ़ोतरी दर 25 नहीं है, आपका जो बढ़ोतरी दर है जो 22% है, वो एक्सपर्ट है, उनकी बात मान गया। लेकिन मंत्री महोदय जी, ये निरंतर जिस ढंग से देश की आंतरिक सुरक्षा को लेके आपकी मदद करते हैं, आपको हमारा खुशकिस्मती है कि आप जैसा व्यक्ति हमारे इस प्राइवेट सिक्योरिटी
का जो सेक्टर है उसके आप इंचार्ज बने। ये मान के चलिए कि चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे दूसरे मंत्री हो, सबसे ज्यादा फौज ये आपकी ही लीडरशिप में यहां बैठी है। सिर्फ देश में रक्षा सुरक्षा का काम ही नहीं मंत्री महोदय, इसके अलावा जिस ढंग से हम उन गरीब तबके के लोगों को नौकरी देते हैं, इसमें जितने भी सिक्योरिटी गार्ड आए हैं वो सारे के सारे बहुत ही गरीब परिवारों से हैं, किसानों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। वो आके अपने घर बार को छोड़ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्यरत है। उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने जो कानून लाया था, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2007 में पेश हुआ था, लेकिन आज 14 हो गया, 7 साल का सफर चला, लगातार सरकार की कोशिश रही है इसको अच्छे ढंग से रेगुलेट करने की, और उन्होंने इसके लिए अलग अलग कानून भी बनाए। केंद्र सरकार ने तो पूरा एक्ट बना दिया, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी अपने रूल्स बनाए हैं। रूल्स में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है, एक ढंग के रूल्स नहीं है, जिसमें हमारे सेक्टर को लाइसेंसिंग में काम करने में काफी मुश्किल पड़ती है। लेकिन अच्छी बात ये साथियों, आपको भी बताना चाहूंगा कि आज से कोई 15 दिन पहले जो होम मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में उन्होंने देश के जितनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं सबके साथ दिल्ली में आए थे, उन्होंने हमें भी बुलाया था, और उस मीटिंग में जो हमारी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो हमारी प्रॉब्लम कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ रहती है, लाइसेंसिंग की रहती है, वेरिफिकेशन की रहती है, और जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रॉब्लम हमारे एंड यूजर के साथ भी रहती है, उन सबको बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस एवरी एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। And it is the first time I've been attending so many meetings of the ministries various times, but this is the first time the additional secretary, Mr. Rajiv Gauba, he took a very, very proper stand. He said, no, this is a time has come that you all controlling authority must provide all the assistance needed for this sector to grow and progress. This is something very good has happened. Uske alawa Mantri ji, पिछले कुछ सालों से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उन्होंने सिक्योरिटी सेक्टर स्किल डेवलपमेंट का काउंसिल का गठन किया। ये गठन जो है ये नेशनल स्किल पॉलिसी के अंतर्गत हुआ, नेशनल स्किल पॉलिसी के अंतर्गत हुआ, और उसमें हमें मैंडेट दिया गया कि आप जितने भी आपके 7 मिलियन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो और हर साल इस सेक्टर में आते हैं 7-8 लाख के करीब, इन लोगों को आप विधिवत ढंग से इनका प्रशिक्षण कीजिए, ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। ऑनरेबल सर, मिस्टर बटलागर इज सिटिंग हियर, ही विल टेल यू लेटर ऑन, बट वी वर द फर्स्ट सेक्टर स्किल काउंसिल विच डेवलप द नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड फॉर द प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर। द नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड वॉज supported, verified by the top 10 companies, top 10 middle companies and top smallest companies. तीनों को मिला के उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की। यह चर्चा एक साल साथियों चली इसके ऊपर, क्योंकि हर सेक्टरी में हर मीटिंग में हम सिर्फ बड़ी कंपनियों का ही कंफर्टेबल लेवल नहीं देखा, हमने मिडिल का भी देखा, और सबसे छोटी एजेंसी जो लोग कहीं ना कहीं एक सूबेदार मेजर साहब, एक नायक लास्ट नायक साहब या हवलदार साहब बैठ के चला रहे हैं, छोटे इलाके में 100 लोगों का 50 लोगों का काम करते हैं, हमने उसका भी क्रियान का ख्याल रखा। जो ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड है, आपकी इंडस्ट्री को बहुत लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे किया जाएगा, लेकिन जिस ढंग से पूरी इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछले साल सरकार ने स्टार स्कीम शुरू की एलएसडीसी के अंतर्गत, उसके अंदर हम लोगों ने 1,40,000 सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेन किया, सर्टिफाइड किया और उनको सर्टिफिकेट दिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है।
और ये आपकी सेक्टर्स की काउंसिल नंबर एक पे चलती है, नंबर एक पे हम पूरे सेक्टर्स काउंसिल पे, जिस ढंग से हमारे प्रोसेस बनाए हैं, जिस ढंग से हमने आपका सर्टिफिकेशन प्रोसेस बनाया है, जिस ढंग से हमने प्रोटोकॉल ट्रेनर के बनाए हैं, असेसर के बनाए हैं, उसकी सब जगह लोग बहुत तारीफ करते हैं और आप भी जानते हो किस ढंग की ट्रेनिंग हो रही है। सॉरी, और इसके अलावा हमारी जितनी मुश्किलें हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ की बात होती है हमारे सेक्टर में, उसके अंदर सरकार क्या कर सकती है। मंत्री जी आपसे मैं उस समय मिला था, आप इस सेक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे मंत्री जी चार बार निरंतर मेंबर पार्लियामेंट रहे, चार बार लगातार, और देश के बहुत बड़े नेता को डिफीट करके आए थे वहां से। सिंपल बिजनेसमैन, ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए वेरी सिंपल पर्सन इन द डायमंड ट्रेड, और आज ये देश के जाने माने जो डायमंड के विशेषज्ञ हैं उसमें से। मंत्री जी आपको कला प्राप्त है एक हीरे को परखने की और रॉ हीरे को एक अच्छा हीरा बनाने की, ये आपकी कला है। हमारा सौभाग्य है कि वो आप जैसा आदमी मिला। ये जो देश में 7 मिलियन आपके पास अनकट डायमंड्स हैं, इनको आप अच्छी ढंग से तलाश कीजिए। हमारे पास मशीनरी है, ये तराशे हुए हीरे देश के लिए बड़े बहुमूल्य सेवा प्रदान करेंगे, ये मेरा आपको एश्योरेंस है। आपका बहुत खास हमारे ऊपर रहे। जितने लोग ट्रेन हुए हैं, आपसे निवेदन है कि उन सब ट्रेन लोगों का जिनके पास भारत सरकार का सर्टिफिकेट है मंत्री जी, और सर्टिफिकेट के ऊपर भारत सरकार की सील लगी हुई है इतनी मोटी, और उसके अंदर शायद देश का एक ही ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर 210 भारत के तीनों शेर वाली मोरे लगी है, नोट के ऊपर एक होती या दो होती है, ऐसे सर्टिफिकेट जिसके ऊपर 210 सरकारी मोरे हो अंदर और एक बड़ी लगी हो, उसको भी कई कर्मचारी कहते जी नहीं ये तो ठीक नहीं है, इसको कहीं ना कहीं से आप मंजूर करवा के लाइए। स्टेट की सरकारें बोलती है ये देखो जी हमें सर्टिफिकेट के बारे में केंद्र सरकार ने नहीं बताया, अरे भाई इसके ऊपर सरकारी मोर लगी हुई है, केंद्र का कौन बताएगा। लेकिन अब जो देश की सरकारें प्रदेश की है वो लगातार इस सवाल को उठाती है, तो आप हमारी नोडल मिनिस्ट्री हो, आप हमारे नोडल मंत्री हो, भारत सरकार की सील आपके हाथ में है, इस सील का क्या महत्व होगा। आपसे निवेदन है कि आप उन स्टेट सरकारों को निर्देश दीजिए कि ये सर्टिफिकेट जो है ये नेशनल स्किल पॉलिसी के तहत बना है, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रेनिंग हुई है, एनओएस के हिसाब से ट्रेनिंग हुई, इनकी असेसमेंट हुई है, तो आपका दिया हुआ ये सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्यता प्राप्त हो और वो देश के हर कोने में मान्यता प्राप्त हो। जहां एक सरकार मान जाती है उसका हमारा सर्टिफिकेट लेके लड़का, अब जहां पैन इंडिया कंपनी है जिनकी कई प्रदेशों में अपनी नौकरी बिजनेस चलता है, वो बोल देते जाके जी ये तो पंजाब सरकार ने किया था, तो गुजरात वाले कहते नहीं जी हम ही इसको करें। तो इसकी जो पोर्टेबिलिटी है, एक बार सर्टिफिकेट जो आपने देश है जो नेशनल स्किल पॉलिसी के तहत बना है वो सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्यता प्राप्त हो, बहुत बड़ा कल्याण का काम होगा। और जो हमारी बाकी मुश्किलें हैं उसको भी थोड़ा सा मंत्री जी समझने की कोशिश है। जब ये कानून बना था तो बड़ी जल्दी में बना था, इट वॉज डी जल कॉपरेशन, और एक ऐसी देश में घटना हुई सब ने कहा कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को एकदम दुरुस्त कर दो, जल्दी में बना है, उसके अंदर कुछ ऐसी धाराएं हैं, एक धारा तो बहुत ही जबरदस्त है कि अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड शराबी पकड़ा गया शराबी की हालत में,
तो ये लाइसेंस आपका कैंसिल कर देगा। शराब पी के अगर सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया तो लाइसेंस कैंसिल कर दे। मंत्री जी ये कोई पिस्टल का लाइसेंस नहीं है कि जो आप कैंसिल कर देगा एसएचओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक लाइसेंस के पीछे 20,000 10,000 50,000 लोगों की रोजगारी जुड़ी हुई। एक व्यक्ति की गलती से कैसे हो सकता है? दिल्ली में आपने शराब पी, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, लेकिन उसी कंपनी के काम तो मद्रास में भी है, बॉम्बे में है, नागपुर में है, गुजरात में है, उनका क्या कसूर होगा? ये तो सामूहिक दंड हो गए। ये सामूहिक दंड तो कभी अंग्रेजों की सरकार ने भी नहीं दिया था। इसके ऊपर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहूंगा। ऐसी और भी चीजें हैं, ये डिपार्टमेंट मैंने तो बड़ी कोशिश की थी साथियों कि इसके ऊपर पुलिस का कंट्रोल ना हो। पुलिस तो पुलिस ही है, अब उनके हाथ में कोई कंट्रोल आ गया तो उनका नौकरी से, सोशल वेलफेयर से, किसी चीज से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो कहते हैं हमें पुलिस अफसर, ये कानून है, इसके हिसाब से आपने चलना है, नहीं करूंगा तो मैं कैंसिल कर दूंगा, आपको गिरफ्तार करूंगा। हमारे काफी कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार किया गया। कुछ ही दिनों मध्य प्रदेश में 16 एजेंसियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर। एक छोटा सा इंसिडेंट, इसी सिक्योरिटी गार्ड ने एक औरत को कहीं छेड़ दिया होगा, अब उसने हंगामा कर दिया, मीडिया आ गया, पुलिस ने सिर्फ उसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, उस कंपनी के दो पार्टनर थे उनको भी सर गिरफ्तार कर दिया। अब इतनी बड़ी फौज में कहां कुछ होता है, वैकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उसके ऊपर आ सकती है? इसको अलग नजरिए से देखना, इस सर्विस को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। फौज का एक सिपाही अगर कोई क्राइम करता है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बंदर नहीं करते। पुलिस वाले रोज कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो डीजीपी साहब अंदर नहीं होते। हम भी उसी ढंग की फौज है, हमारी कमिटमेंट उनसे ज्यादा है, हमारी सोशल रीच उससे ज्यादा है। पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो तो ठीक है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देने का जो हमारा काम है वो हम बड़ी खूबी से निभाना चाहते हैं, वो आपके लीडरशिप के अंदर निभाना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि आप इन चीजों को अच्छे ढंग से समझेंगे, जो हमारी मुश्किल हैं उनको समझिए, जो हमारी योग्यताएं हैं उनको अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ाइए, जो आपके एजेंडाज हैं उसको हम फॉलो करेंगे। देश का कोई कानून नहीं हुआ जिसका हम उल्लंघन करेंगे। मुझे आशा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में ये आपकी जो 7 मिलियन की फौज है ये तरक्की करे, देश की सेवा करे, ऐसा मेरा शुभकामना है। नमस्कार।